आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा एक इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, बी एट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या लोकल लेवल पे या सिविल सोसाइटी की तरफ से। तो हम सबकी जिंदगी का एक मकसद होता है, हमें पता है कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना है, लेकिन उस आने और जाने के बीच में जो वक्त हमें दिया गया है जिंदगी जीने के लिए, उसका एक मकसद होना चाहिए, उसमें एक लेगेसी होनी चाहिए जिसको हम प्रैक्टिस करें या जिसको हम पीछे छोड़कर जाएं फिर इस दुनिया में। इंसान जो है वो अपना बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स में ना के केवल हम बहुत अपना कर सकते हैं, हम अपने पूरे माशरे का बल्कि मुल्क के ताल्लुकात बेहतर होते हैं स्पोर्ट्स में। तो आजकल तो उनका एक इग्नोरेंस लेवल है कि अगर हम बर्बाद है तो दूसरे को भी बर्बाद करेंगे अपने साथ। उनका फोकस ये कभी नहीं रहा है कि हम अपनी प्रोग्रेस करेंगे। तो आप कौन सी इस्लामिक आइडेंटिटी बचाना चाहते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर को 6 कलमे याद है? उनको तो पहले कलमे का मतलब ही नहीं पता होगा, वो कभी नमाज ही नहीं पढ़ता होगा, बिल्कुल लेकिन उसको इस्लामिक आइडेंटिटी बचानी है। तो जिससे बच्चों का कोई वीडियो आता है तो मैं जब देख रही हूँ, ये सॉन्ग एक है, और देन आई रियलाइज कि ये सॉन्ग पाकिस्तान में गाया गया है, ये उनका सॉन्ग है। तो और सॉन्ग के वर्ड देखिए, मुहाफिज अमन के हम हैं, ये दुनिया को दिखा देंगे। कब दिखाओगे दुनिया को आप मुहाफिज हो अमन के? होली बैन करके आप दिखाएंगे कि आप मुहाफिज हैं अमन के? कैसे सोच जो है डेवलप की जा सकती है विद इन द माइंड, विद इन यू। आप जो भी जहां भी देश के किसी भी हिस्से में बैठे हैं, जो सोच, जो पैटर्न सेव यूथ सेव फ्यूचर ने सेट किया है, वो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो आपका अमीर होना जरूरी नहीं है, आपका कोई किसी बड़ी कुर्सी पे होना जरूरी नहीं है, आपका पॉलिटिक्स में होना जरूरी नहीं है। आप हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम यास्मीन हफीज है और मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही बहादुर प्यारी भारत की बेटी अनिका नजीर है। बहुत सारे मुद्दों पर बात कर रही होती है अनिका नजीर, और अनिका का मेन मकसद होता है कि लोगों में अवेयरनेस आए, जो हम लोग इस पर कोशिश भी कर रहे हैं अपनी तरफ से। आज हम अनिका के से जानेंगे, जो अभी कश्मीर में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, वो भी अवेयरनेस से ही जुड़ा हुआ है, उससे मुताल्लिक जानेंगे। अनिका कैसी हैं आप, क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। अनिका थैंक यू सो मच कि आप आए और हमारे साथ आप अपने, मुझे मालूम है काफी मसरूफियत है, उसके बावजूद भी वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है, तो थैंक यू सो मच आज हमारे ऑडियंस के साथ आप जुड़ी हैं। अभी हमने देखा एक ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम कश्मीर में हुआ, और ये JKSYSF और ये बारामूला पुलिस के कोलेब्रेशन में हुआ है। थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, क्या था और ये अवेयरनेस प्रोग्राम, इससे क्या आगे फायदा और क्या होने वाला है, थोड़ा बताएं। देखिए, JKSYSF जो सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन है, इसका नाम ही सेव यूथ सेव फ्यूचर है। सो दैट मीन्स हम लोग यूथ बेस्ड जो है काम ज्यादा करते हैं, और ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस जो है आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा एक इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, बी एट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या लोकल लेवल पे या सिविल सोसाइटी की तरफ से। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैं एज अ वुमेन्स विंग हेड काम कर रही हूँ, तो हमारा हमेशा से ही कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स जो है हमने इंट्रोड्यूस किए हैं सोसाइटी में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, आई थिंक पूरे कश्मीर में हमने प्रोग्राम्स किए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो या बाकी चीजों के रिलेटेड हो। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि एक अवेयरनेस जो है यंग यूथ में आ जाए और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो, सो दैट वो इन सब चीजों से जो उनको उस बर्बादी की तरफ ले जाते हैं जहां उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहता, और जहां उनकी जिंदगी एक सोसाइटी के काम नहीं आती और फिर अपनी फैमिली के भी काम नहीं आती, क्योंकि इंसान की जो जिंदगी है उसकी उसका एक मकसद होना चाहिए। तो हम सबकी जिंदगी का एक मकसद होता है, हमें पता है कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना है, लेकिन उस आने और जाने के बीच में जो वक्त हमें दिया गया है जिंदगी जीने के लिए, उसका एक मकसद होना चाहिए, उसमें एक लेगेसी होनी चाहिए जिसको हम प्रैक्टिस करें या जिसको हम पीछे छोड़कर जाएं फिर इस दुनिया में। तो बिल्कुल ड्रग मैनेस एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को की जो सोचने की क्षमता है उसको रोक देता है। आप क्या करते हो, आप किस रास्ते की तरफ जाते हो, तो इस चीज को रोकना एज अ सिविल सोसाइटी या एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें अपनी एक सेंसिबिलिटी और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और इस पर हमें काम करना चाहिए। तो सेव यूथ सेव फ्यूचर ने आज तक बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं,
और अलग पैटर्न्स में, जैसे सपोर्ट्स के थ्रू ड्रग डी एडिक्शन की अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है, या कॉलेज में विजिट करके ड्रग डी एडिक्शन जो है उसकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, या बाकी चीजें। और रिसेंटली बारामूला में भी दो तीन प्रोग्राम्स ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस के रिलेटेड ही हुए, जिसमें बारामूला पुलिस ने भी कोलेबोरेशन किया और अपना ताउन दिखाया, सो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी जो है एक एक एफर्ट सोसाइटी की तरफ आ जाए, और लोग जो है एक एक स्पेक्ट्रम में आ जाए कि नहीं, कोई तो है हमारे आसपास जो हमें एक रास्ता दिखाना चाहता है और हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बिल्कुल ड्रग एडिक्शन अवेयरनेस, जो हमें, मुझे लगता है कि हमने छोटे बच्चों को भी कंसिडर किया है इसमें, सो दैट उनको बचपन से ही ये चीज जहन में रहे कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी बिद्दतें हैं जो हमारे करियर को बर्बाद कर सकती हैं, तो उनको ये चीज पहले से जहन में रहे और वो इस पर अपनी आने वाली जिंदगी में जो है इसको सेल्फ रिफ्लेक्शन एक दिखाए कि ये चीज जो है ये हमारे लिए सही नहीं है। जी बिल्कुल, आपने अनेका बहुत अच्छी बात कही कि आना और जाना हमारे जिंदगी में है, लेकिन उस जिंदगी के आने और जाने के बीच में एक बहुत अच्छा मकसद आपका होना चाहिए जो सबकी बेहतरी के लिए हो। अच्छा, अनिका का अपना एक चैनल है, अनिका उस पर बात कर रही होती है, डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन करूंगी। और अनिका का हम उसमें देखते हैं जितने अवेयरनेस से मुताल्लिक जो प्रोग्राम होते हैं वो उसमें होते हैं, अनिका बहुत अच्छी बात कर रही होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लाइफ की फिलोसफी से भी जुड़ा होता है। तो कहीं एक मकसद होता है कि लोग कम से कम कुछ नहीं तो एक बेहतरी की तरफ सीखें। तो वो जो एक प्रोपोगंडा का गुब्बारा उड़ता था उसको बर्स्ट करने में अनिका जैसे बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं। मैं अनिका आपसे जानना चाहूंगी, ये सेव यूथ सेव फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, उसकी तरफ से ये हुआ था, और उसका बेसिकली आपने एक बार पहले भी जिक्र किया था कि हमारा मेन मकसद है यूथ एम्पावरमेंट और पीस बिल्डिंग करना। तो इसमें आपका पुलिस का कितना सहयोग रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का कितना सहयोग रहा, क्योंकि जो आपका मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी देखा था उसमें सारे ही लोग हैं, तो पूरा एक कॉपरेशन दिख रहा है। तो वो जो पहले के वक्त में नहीं थी चीजें जो मिसिंग थी, जिसको लेकर एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता था पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के नाम पर, तो इसमें पुलिस का कितना सहयोग रहा और वो कितना प्रोपेगेंडा खत्म करने में काम आ रहा है, आगे कितना बेहतर होगा आगे? देखिए, पहले की अगर हम बात करें, ऐसा नहीं कि पहले ऐसे प्रोग्राम्स एक लेवल पे लोग नहीं चाहते थे या एक लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहते थे, दोनों ही तरफ से या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पहले भी प्रोग्राम्स करना चाहते थे, लेकिन हमारे कश्मीर का ऐसा सिनेरियो था कि कोई प्रोग्राम ही नहीं एग्जरसाइज हो पाता था, कोई प्रोग्राम ही इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था क्योंकि ऐसे हालात थे। और आज जब वो हालात जो है वैसे हालात जो खत्म हो चुके हैं, और अब एक कलेक्टिव एफर्ट, वो जो एक सोशल गैदरिंग है, सोसाइटी का हर एक पहलू जो है, सोसाइटी की एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आम लोग हो, सब मिलकर जो है एक एक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एक प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जो सोसाइटी की बका के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अभी जो प्रोग्राम हमने किया पुलिस की तरफ से, एक बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। हमारे ही प्रोग्राम्स में नहीं, आई थिंक जितने भी अलग अलग प्रोग्राम्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं उनमें पुलिस अपने अपने लेवल पे एक एफर्ट लगाती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे एक एफर्ट लगाती है, सपोर्ट्स काउंसिल अपने लेवल पे एक एफर्ट लगाती है, या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी डिपार्टमेंट सामने आके जो है इनमें ताउन करते हैं और अपना जो एफर्ट है इन प्रोग्राम्स में दिखाते हैं ताकि बच्चों की बेहतरी हो और उनको एक बिगर प्लेटफॉर्म जो मिले और उसके लिए वो तैयार भी हो जाए। सो दिस इज द करंट सिनेरियो, और इस तरीके से जो है काम जो है इंटरडिपेंडेंस के साथ हमारी सोसाइटी में चल रहा है अभी के टाइम पे। बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में इसमें और बेहतरी दिखी है। अच्छा, मैं अभी कुछ वक्त पहले जो हम लोग एक न्यूज देखी थी कि जम्मू कश्मीर से डीजीपी, उन्होंने बताया था कि नंबर ऑफ मिलिटेंट्स जो है वो लगातार घट रहा है, कम हुआ है, पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गया है, और अभी जो चीजें हैं और बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ये ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम है जिस तरह से, तो आपको लगता है कि ये जो उकसाना बच्चों को, यंग जनरेशन को उकसाने के लिए ये ड्रग का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता था, जिसपे आप जैसे लोग अब काम कर रहे हैं तो चैलेंजेस भी बहुत सारे होते होंगे, बिल्कुल तो वो एक लगता था ना कि सिर्फ इस्लाम का नाम लेके या एक रिलीजन का नाम लेके ये बच्चों को कैसे व्यक्त किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई हथियार कुछ तो कुछ इस्तेमाल हो रहा है इनपे, कोई दवाई? जी एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा कि ड्रग्स जो है वो आपकी सोचने की क्षमता को ही खत्म कर देते हैं। तो फिर अगर कोई आपको बताए कि ये लीजिए बंदूक हाथ में रखिए और ये मैंने आपको ड्रग्स भी दे दिए, आपका काम तो ड्रग्स से है, आप इसके बदले ये करते, वो करने के लिए तैयार हो जाएगा।
क्योंकि आप जो ड्रग मैनस में मुबतला एक बच्चा है, उसको आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये पैम्पलेट पैम्पलेट लो, ये पढ़ो, इसमें ड्रग एडिक्शन की अवेयरनेस है, आपको अवेयरनेस, वो नहीं पढ़ेगा, वो नहीं समझेगा, क्योंकि समझना दिमाग का काम होता है, और जब दिमाग ही आपके वश में नहीं है आपका दिमाग, तो आप कैसे चीजों को समझ सकते हैं, आप कैसे चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज गलत हो रही है, क्या ये बंदूक मेरे हित में काम करेगी, क्या ये बंदूक एक सही कदम है मेरे लिए, या ये वो इजी कदम है जिससे बर्बादी आसानी से की जा सकती है। तो बिल्कुल वो लेवल जो है अभी खत्म हुआ है, जैसा कि आपने कहा कि जो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता था बच्चों की तरफ से या कश्मीर के नौजवानों की तरफ से, वो बिल्कुल घट रहा है। ये तो एक सबसे बड़ी हार मिलिटेंट है का उन नंबर भी लोगों के कम हो रहा लिए है। जो ये हार उन लोगों के लिए है जो कश्मीर के बच्चों को उस तरफ ड्रैग करते थे। ये उनके लिए सबसे बड़ा तमाचा है बिल्कुल कि यहाँ के जो मिलिटेंट वो जो काउंट है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ के बच्चे उस चीज को अब एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्टेंस उसकी तरफ नहीं दिखाते हैं, क्योंकि एक एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको एक शिफ्ट चाहिए होता है चेंज में, और चेंज को आने में बहुत टाइम लगता है। एंड नाउ इट्स बीन 4 और 3 to 4 और 5 years, 5 सालों में बहुत मिनिमम टाइम है, अभी भी ये 5 साल या 4 साल, लेकिन मिनिमम टाइम में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ तब्दीली लेके देखी। दैट मींस ये बहुत ही एक वेलकमिंग स्टेप रहा है, और बहुत ही एक अच्छा स्टेप रहा है कि बच्चों ने बहुत कम समय में बहुत प्रोग्रेस की तरफ जो है अपना ध्यान है लगाया है। और यही नहीं, इसको इन चीजों को जो आप बोल रहे हैं कि काउंट जो है डिक्रीज हुआ है, इस पर बहुत सारे एफर्ट्स भी लगे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लोकल सिविल सोसाइटी की तरफ से, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से, कि हर कोई पेरेंट चाहता है कि बच्चा हमारा जो खराब नहीं हो, हम उस पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आज तक ऐसे हुए हैं जिनमें बच्चों को हमेशा ऐसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई है, या उनको ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनमें उनके जो करेज है ना उसको बूस्ट मिले, या उनके जो स्किल्स है वो बाहर निकल कर आए सामने और वो उस पर वर्क करें। जैसे रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊंगी, उस पर मैं अपना एक रिएक्शन वीडियो में जल्दी ही बनाऊंगी, वाटर स्पोर्ट्स। हमारे पास एक बहुत बड़ा सरमाया है कश्मीर में, डल लेक, तो डल लेक को भी कारआमद लाया गया स्पोर्ट्स के लिए। मुझे लगता है सपोर्ट सबसे बड़ी ऐसी चीज है जिससे आप इंसान के दिमाग को इतना हेल्दी बना सकते हैं कि वो अपनी चीजों को बहुत प्रोग्रेसिव बना सकता है। तो वाटर स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और हर साल जेएनके पुलिस की तरफ से ये हो रहा है ये वाला मतलब इवेंट। और रिसेंटली 2 दिन पहले वाटर स्पोर्ट्स में बहुत सारे बच्चों ने, कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से, बारामूला से, बांडीपुरा से, शोपियान से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए और वाटर स्पोर्ट्स में जो है पार्टिसिपेट किया। तो ये एक वेलकमिंग स्टेप है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पे होते, तब जाके जो आपको ये रिफ्लेक्शन दिखने को मिल रहा है कि मिलिटेंट काउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वो इसकी वजह से हो रहा है कि अलग अलग साइड बाय साइड प्रोग्राम्स हो रहे हैं और वो वहां रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि बच्चे अलग अलग, क्योंकि आप देखिए ना, आप शोपियान का एक बच्चा श्रीनगर आ रहा है वाटर स्पोर्ट्स के लिए, जब उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली तब उसको आया समझ कि वाटर स्पोर्ट्स में उसके स्किल्स है, उसका स्किल ये है कि वो वाटर स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकता है और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जा सकता है। और वाटर स्पोर्ट्स का क्रेज बिल्कुल कितना है दुनिया भर में आपको भी पता होगा ये। तो बिगर बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल के लिए जाना, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज पर भी काम किया है कि ग्राउंड लेवल पे बच्चों को तैयार किया जाए, उनको प्लेटफॉर्म, मेहनत करना तो अपने तक है, बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया गया, अब उनकी मेहनत है कि वो कितनी मेहनत करेंगे और उसको कितना आगे ले जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट इज। आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्पोर्ट्स में इंसान जो है वो अपना बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स में ना के केवल हम बहुत अपना कर सकते हैं, हम अपने पूरे माशरे का बल्कि मुल्क के ताल्लुकात बेहतर होते हैं स्पोर्ट्स में। तो आजकल तो स्पोर्ट्स उस लेवल पे पहुंच चुका है कि दो देशों के बीच में एक बहुत अच्छे ताल्लुकात के लिए एक मीडियम बन सकता है। अच्छा अनिका, हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो ये अपनी नापाक हरकत है, अभी गुजरात में भी इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई, ड्रग को पूरी तरह से चाहता है कि पूरे भारत में इस तरह से उसको सप्लाई किया जाए, उसको भेजा जाए, चोरी छुपे ये हर कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में तो ये बहुत बड़े लेवल पे होता था, तभी बच्चे कुछ नहीं समझ पाते थे। और जो आप ये कह रही हैं कि गाइडेंस
लोगों के और अवेयरनेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी लोग अब जागरूक हो रहे हैं। अभी भी ये केवल कश्मीर तक महदूद नहीं है बल्कि इसे तो पूरे भारत को इसको शिकंजे में लिया जा रहा है कि ड्रग एडिक्ट करो और भारत की यूथ को इस तरह से उनका ब्रेन वॉश करते रहो, भारत के खिलाफ उनको उकसाने के लिए या गलत काम करवाने के लिए, या उनसे कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो जब वो एडिक्शन हो जाएगा ड्रग्स का तो वो तो कर सकते हैं। तो आपका जो ये सेव यू सेव फ्यूचर प्रोग्राम है ये सिर्फ आई थिंक कश्मीर तक अभी तक महदूद है, लेकिन ये अवेयरनेस पूरे मुल्क को चाहिए। तो उसके लिए क्या कहेंगी, क्या कोई ऐसा प्रोग्राम आगे कुछ लॉन्च होने वाला है या फिर कहीं और कुछ वर्क हो रहा है? मुझे लगता है सेव यूथ सेव फ्यूचर तो अभी कश्मीर जेएंडके तक ही महदूद है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अब आपने पड़ोसी मुल्क की बात की तो उनका हमेशा से ये देखिए उनका एक इग्नोरेंट इग्नोरेंस लेवल है कि अगर हम बर्बाद है तो दूसरे को भी बर्बाद करेंगे अपने साथ। उनका फोकस ये कभी नहीं रहा है कि हम अपनी प्रोग्रेस करेंगे। अब रिसेंटली आप देखिए उन्होंने होली पे यूनिवर्सिटीज में बैन किया। क्यों बैन किया? क्योंकि वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को है, इस्लामिक आइडेंटिटी को है बरकरार रखना चाहते हैं। अब देखिए वो कितना बड़ा धब्बा है इस्लाम के नाम पे कि ड्रग्स भेजेंगे बाकी आसपास के मुल्कों में या इंडिया में भेजेंगे, स्मगल करेंगे यहाँ पे और अपनी शादियों में मुजरे लगवाएंगे, गाने बजवाएंगे और इंडियन सॉन्ग्स पे नाचेंगे और फिर ये कहेंगे कि हम अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी बचाना चाहते हैं क्योंकि हमने हमें अब होली बैन करनी है, नोइंग दैट कि उस देश में माइनॉरिटीज हिंदू भी रहते हैं। हाँ ठीक है, आप अपने बच्चों को कहिए ना कि वो अपनी मर्जी से होली मना रहे हैं, उनको थोड़ी हिंदू माइनॉरिटीज ने वहां पे कहा आ जाओ और हमारे साथ होली मनाओ। तो आप कौन सी इस्लामिक आइडेंटिटी बचाना चाहते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर को 6 कलमे याद है? उनको तो पहले कलमे का मतलब ही नहीं पता होगा, वो कभी नमाज ही नहीं पढ़ता होगा, लेकिन उसको इस्लामिक आइडेंटिटी बचानी है। सो दिस इज द आयरनी ऑफ दैट कंट्री कि जहां जाएंगे जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे कटोरा आगे करेंगे और पीछे से प्रिंसिपल कंसर्न ना, हम देखें ना प्रेजेंट भी कैसे कहते हैं, प्रिंसिपल कंसर्न कश्मीर को सामने रखेंगे जिसके दम पर अभी तक उनको अब पूरी बाकी देश के हिस्सों से भी है। कुछ कंट्रीज जैसे अजरबैजान उनको सपोर्ट करेगी, एक कंट्री से क्या होता है वो इंडिया का स्टांस तो चेंज नहीं करेगा, बाकी कंट्रीज उनको वो कहते हैं ना कि चादर में चप्पल लपेट लपेट के उनको थप्पड़ मारता है कि हमारे पास कश्मीर के बारे में आप बात मत कीजिए। तो ये ऐसे दुबले इंसान है कि एक तरह से कहेंगे हम इस्लामिक आइडेंटिटी को बचाना चाहेंगे, फिर इनकी शादियां देखें आप, ये दुबई में इनकी शादी होगी बच्चों की, कहीं और कंट्री में होगी और वहां पे देखिए वो सिनेरियो क्या होता है इनकी शादियों का। आप इस्लामिक आइडेंटिटी को कैसे बचाना चाहते हैं? इस्लामिक आइडेंटिटी अब बचाना चाहो उसमें लिखा है कि निकाह को जितना हो सके सिंपल बनाया जाए और दावत वलीमा इस फर्ज आप कर सकते हो, आप कर सकते हो दावत वलीमा कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम इतना कि उसमें भी आप ख्याल रखें कि कोई गरीब है आप वो आपके इसमें खाना खाएगा तो आपके बच्चों का जो निकाह हो रहा है ना उसको अल्लाह ताला पूरे अपने हिफ्ज अमान में रखेगा। आप इस आइडेंटिटी को नहीं बचा पा रहे और आप बंद कर रहे हैं होली को। वो आप अच्छा एक चीज मैंने अभी रिसेंटली नोटिस की, आई वॉज स्क्रॉलिंग माई यूट्यूब तो मुझे बच्चे दिख गए एक वीडियो में कुछ गाते हुए, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया क्योंकि बच्चे बहुत फैसिनेट करते हैं कि बच्चों का कोई वीडियो आता है तो मैं जब देख रही हूँ ये सॉन्ग एक है और देन आई रियलाइज कि ये सॉन्ग पाकिस्तान में गाया गया है, ये उनका सॉन्ग है। तो और सॉन्ग के वर्डिंग वर्ड देखिए, मुहाफिज अमन के हम है ये दुनिया को दिखा देंगे। कब दिखाओगे दुनिया को आप मुहाफिज हो अमन के? होली बैन करके आप दिखाएंगे कि आप मुहाफिज हैं अमन के कैसे? मतलब आप देखिए ना मेंटेलिटी क्या है, खुद ही कंफ्यूज है। अब इनके बारे में आप मतलब मैं इनकी कोई वीडियो नहीं लेती जिस पर मैं मतलब रिएक्शन दूंगी या कुछ भी, मैं लिटरली बहुत अवॉइड करती हूँ। मैं इंस्टेड ऑफ दैट यू नो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ मैं कश्मीर की चीजें दिखाऊं, बिकॉज ये मेरा हमेशा से था कि कश्मीर के लोग जो है, जेएनके के लोग जो है, उनको नेशनली भी और ग्लोबली देखा जाए उनकी स्किल्स को, ना कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो ग्राउंड रियलिटी है आप ही लोगों के जरिए पता चल रही है। कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, एग्जैक्टली कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अभी के टाइम पे जिनको जीआई टैग भी मिला है,
तो मैं हम लोग वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब इनके साथ इनके बारे में बात बार बार करके हम कोई रिलेवेंस बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते इनकी तरफ। सो इनके बारे में क्या ही बात करेंगे हम, लेट देम बी। एक दिन कहते ना कि कोई चीज, इनका जो मुल्क है ना वो घिसते घिसते एक दिन घिस ही जाएगा, एंड वी विल सी इट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि इस्लामिक आइडेंटिटी को किसी भी फेस्टिवल का रिस्पेक्ट ना दिखाकर और उसे पूरी तरह से बैन करके इस्लामिक आइडेंटिटी को बचाना, ये समझ के बाहर है। मैं इस पे काफी बात कर चुकी हूँ आपसे, नहीं हुई, और आपके ख्यालात भी इसमें मालूम हो गए। अच्छा, आपने कश्मीर का जिक्र किया, मैं आपसे मुख्तसर से जानना चाहूंगी, कश्मीर पाकिस्तान में ओपियम की तरह है, उनको अफीम की तरह चटाया जाता है वहां के बच्चों को। एक छोटा सा बच्चा भी कश्मीर के नाम पर जहर उगल रहा होता है, बहुत हैरानी की बात है। भले उसने तालीम नहीं ली होती है, वो गुब्बारा पे चढ़ा है बच्चा, और वो कह रहा है कश्मीर हम लेके रहेंगे, हम मार देंगे, हम जिहाद करेंगे, इस तरह की मेंटालिटी में जी रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ एक आप बहुत ही पॉजिटिव वे में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप दिखा रहे हो सारी दुनिया को कश्मीर का नाम लेना पाकिस्तान, खुदा के लिए बंद करो, अल्लाह के वास्ते अब अपना देखो। लेकिन एक तरफ हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि इस चीज में और ज्यादा इजाफा हुआ है। आज वहां का बिल्कुल जो 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 बच्चा कभी स्कूल भी नहीं गया है, वो भी कश्मीर के नाम पर जहर भरी बातें कर रहा होता है। तो इस चीज को आप कैसे देखती हैं? क्या मैसेज देंगी? क्या मैसेज तो खैर ये फॉलो करने वाले नहीं है, लेकिन हमारे भारत में ही बैठे हुए लोग बहुत सारे इन लोगों को बहुत सपोर्ट भी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं इन लोगों की वीडियोस को। तो क्या पता किसी के थ्रू आपकी बात वहां तक पहुंचे, क्या बोलेंगी? मैं इतना कहना चाहूंगी कि जब आप एज अ पॉलिटिकल सिस्टम अपने लोगों को एक बेहतर जिंदगी या एक बेहतर इनोवेशन या बेहतर चीजें प्रोवाइड फराहम नहीं कर सकते, तो आपका ये सेकेंड जो पैतरा होता है कि उनको कुछ ऐसी चीज में उनको बिजी करो कि वो बेसिक जो उनकी नीड है, बेसिक जो उनका क्राइटेरिया है लाइफ का, वो भूल जाए। सो सिंपली उस यही पर हो रहा क्वेश्चन है ना उनके करें। साथ, उनके बच्चों के साथ। भले वो गुब्बारा बेच रहा हो, एक बच्चे की उम्र नहीं होती है गुब्बारा बेचने की, ठीक है, लेबर होता है, कोई बच्चा गरीब है, हमारे इंडिया में भी ऐसा बहुत देखने है, कोई बच्चा बहुत ही कम उम्र में जो है काम कर रहा है, लेकिन उसकी थॉट्स ऐसे नहीं आपको देखने मिलेगी कि उसको मारो इसको मारो। वो बोलेगा कि ये गुब्बारा, ये उसका कॉन्स्टेंटली ये रहता है कि मेरे पास ये गुब्बारा है, ये बिकने चाहिए सारे। देखने चाहिए। और इनके इनके बच्चे आप देखो, गुब्बारा नहीं बेचना, गुब्बारा भी नहीं बेचेगा, पड़ेगा भी नहीं, और फिर वो जहर भी उगलेगा। सो उसके दिमाग को हाँ बेसिक इतना ना कि बचपन से ही उसकी तह जो है ना दिमाग की, वो परत इसी 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 आइडियोलॉजी पे बनी है कि आपको जो है, हमारे यहाँ एक पड़ोसी मुल्क है, आपको उसके साथ नफरत करनी है, वही एक जरिया है जो आपको आगे लेकर जाएगा, जो कि इनको बिल्कुल भी आगे नहीं लेकर जा रहा है। इंस्टीड ऑफ दैट वो पीछे ही चले जा रहे हैं। सो ये बेसिक इन्होंने स्ट्रेटेजाइज ही किया है, चाहे इनकी कोई भी मतलब पॉलिटिकल, इनके पॉलिटिक्स में कोई भी आए, नया पुराना जो भी आए, उनकी सेम स्ट्रेटेजी यही रहती है। तभी ये मुल्क जो है दिन ब दिन डूबता जा रहा है, क्योंकि इनके अपने लोगों की बहबूद बिल्कुल पे इन्होंने काम नहीं किया, इनके अपने लोगों के पॉलिटिकल या एजुकेशन सिस्टम पे इन्होंने काम नहीं किया, उनकी अच्छी नशोनुमा के लिए इन्होंने काम नहीं किया, किसी चीज के लिए काम नहीं किया है, इन्होंने अपने पर्सनल मफाद के लिए काम किया। और आर्मी और इनके बीच में हमेशा प्लीजिंग मूवमेंट्स जो है ना वो एक्सचेंज होते रहे हैं। किसी ने, एक पॉलिटिकल पार्टी ने आर्मी को प्लीज किया, कभी आर्मी ने उनको प्लीज किया, तो इनका आपस में ही वो चल रहा है, आम लोग तो पिक्चर में है ही नहीं। नहीं तो रिसेंटली जो हल्ला गुल्ला इनके मुल्क में हो रहा है, वो होता ऐसा ऐसा कहाँ होता है? घरों में घुस रहे हैं सीधे लोग और घसीट घसीट के इनको बाहर निकाल रहे हैं। तो इन्होंने बेसिक स्ट्रेटेजी अपना ही ही ये नुकसान कर बनाई रहे हैं ये हुई है। सारा। नहीं तो 75 साल में कुछ तो तब्दीली आती, 75 साल पहले भी ये यही कह रहे थे। रिसेंटली इनका एक आपने देखा होगा, न्यूज में भी आया था कि कुछ इन मतलब इनके मुल्क से कुछ लोग अपने काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क चले गए, ग्रीस, वहां भी जहाज में वो डूबते, वहां क्या रेस्क्यू किया इन्होंने अपने लोगों को? अच्छा, कोविड के टाइम पे इनके लोग फंसे हुए थे मुल्कों में, आने ही नहीं दिया वापस, वो बेचारे क्या कहते हैं, इंडिया खुद को इंडियंस बता के वापस आ रहे थे फिर। अच्छा, यूक्रेन में इनके बच्चे फंसे थे, तब भी इंडिया का नाम लेके, इंडिया का फ्लैग लेके वो उन्होंने उनको बाईपास किया गया, सेफ स्पेस दी गई। ये देखिए ना, इनकी 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 आइडेंटिटी क्या है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि
ये कंट्री जो है कहाँ लाई करती है, और ये क्या कश्मीर के साथ भी कम्पीट करेंगे? आप अगर मैं सिर्फ कश्मीर की बात की, कश्मीर के साथ भी कम्पीट नहीं कर सकते, पूरे इंडिया की तो बात ही नहीं, वो पिक्चर में ही नहीं आता है। जी बिल्कुल, ये कश्मीर के साथ भी बिल्कुल कम्पीट नहीं कर सकते, और इसीलिए इनकी जो बौखलाहट है वो समय समय पर हम देखते हैं किसी ना किसी जरिए। अब इन्होंने होली के ऊपर कदम उठा दिया, बौखलाहट इनकी ये होगी कि इतना सक्सेसफुल विजिट भारत के प्रधानमंत्री का यूएस में, उसको लेकर भी स्टेटमेंट और बहुत ही फिजूल की बातें पाकिस्तान से निकल कर आ जाती हैं। खैर, जाते जाते बस आपसे इतना जानना चाहूंगी अनिका कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत खूबसूरत काम कर रही है, अपने चैनल के जरिए लोगों तक भी वो बात पहुंच रही है, वो आवाज। क्या संदेश रहेगा हमारे उन बच्चों को, उन यंग जनरेशन को जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो कश्मीर में है अभी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स का नहीं सुनते हैं, अपने बड़ों का इस बारे में नहीं सुनते हैं, और कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से मुलव्विस होते जा रहे हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, वो और वो गलत हर काम कर रहे हैं जिससे उनका फ्यूचर, उनका करियर सब बर्बाद हो रहा है, उनके लिए क्या मैसेज होगा? क्योंकि आप डील कर रहे हो देखिए, बच्चों से, मैसेज एक ही आप है कि सबसे डील कर रहे हो। एग्जैक्टली सेव यूथ सेव फ्यूचर। हर घर तो नहीं पहुंच सकती, हर पूरे इंडिया के हर घर में तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन हर घर में एक सेव यूथ सेव फ्यूचर जैसी सोच जो है डेवलप कर सक की जा सकती है विद इन द माइंड, विद इन एग्जैक्टली यू। आप जो भी जहां भी देश के किसी भी हिस्से में बैठे हैं, जो सोच, जो पैटर्न सेव यूथ सेव फ्यूचर ने सेट किया है, वो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। और अपनी सोसाइटी को, अगर आपके आसपास चार ही घर है, उन चार घरों में अगर आप वो रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, आप दुनिया के किसी कोने में भी जाके या देश के किसी कोने में भी उस सोच को पहुंचा सकते हैं, उस अवेयरनेस को पहुंचा सकते हैं और उस रेवोल्यूशन को पहुंचा सकते हैं। तो हमारे सामने जिसमें बहुत आपका सारे ही भला। एग्जाम्पल्स है, हाँ, जिस हमारे सामने ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है जो बहुत ग्राउंड जीरो से आते हैं और जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है, अपनी सोसाइटी के लिए काम किया है। तो आपका अमीर होना जरूरी नहीं है, आपका कोई किसी बड़ी कुर्सी पे होना जरूरी नहीं है, आपका पॉलिटिक्स में होना जरूरी नहीं है। आप अपने घर से शुरू कीजिए, आप अपने हमसायों से, अपने नेबर्स से शुरू कीजिए, आप अपने गांव से शुरू कीजिए, आप अपने शहर से शुरू कीजिए, हर गली हर कोचे से शुरू कीजिए। आप देखिए, एक रेवोल्यूशन पैदा हो सकता है और इंडिया वर्ल्ड के वर्ल्ड मैप में सबसे अव्वल दर्जे पर हम जैसे लोग जो है, जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो ये सोच अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल आप अपने बिल्कुल, देश को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात कह रही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है या हम किसी सेलिब्रिटी घराने से नहीं आते, हमारे तो पीछे कोई है ही नहीं, लेकिन आप अपनी सोच और अपना दिल बड़ा रखिए, आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। और वो एक सलमान खान की फिल्म भी थी कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छाई कर दी, आगे तीन लोगों के साथ अच्छाई कर देना और उनसे कह देना कि वो तीन के साथ अच्छा कर दी कुछ, एग्जैक्टली तो ये कुछ इस तरह का मैसेज लग रहा है मुझे आपके मिशन से। तो थैंक यू सो मच अनिका, आपने अपना ठीक वक्त दिया और बहुत ही खूबसूरती के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। मैं दुआ करूंगी इंशाल्लाह आप और आगे बढ़ो, और जो प्रोपगेंडा अगर हमारे मुल्क के खिलाफ आते भी हैं तो उसको आप जैसे जो फाइटर हैं वो अपने तरफ से कर रहे हैं, वो उसमें और ज्यादा ताकत हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे ऑडियंस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में अनिका के चैनल का लिंक दूंगी, उनके चैनल पर जाकर भी देखिएगा कि जो कश्मीर की हकीकत जानने के लिए आप इधर उधर दौड़ लगाते थे, या अभी भी देखती हूँ भर भर के पाकिस्तानी चैनल को देखा जाता है और वहां उनके नजरिए से कश्मीर को बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं, तो प्लीज उससे आप बात आ जाएं और अपने मुल्क के अंदर हकीकत अपने मुल्क के लोगों के आवाज के द्वारा सुने। बहुत बहुत शुक्रिया अनिका, फिर मिलेंगे आपसे और किसी और मुद्दे थैंक पर यू, जरूर बात करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद।